छत्तीसगढ़ के दो अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू से जांच कराने के संबंध में ईडी की चिट्ठी पर राज्य शासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सोमवार को सूरत रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि ईडी ने अभी तक महीने में 50 छापे डाले हैं, क्या क्या पाया ये क्यों नहीं बता रहे हैं। हमने चिटफंड घोटाले और नान घोटाले की जांच के लिए जो चिट्ठी लिखी थी उसकी जांच कब होगी। डायरी में जो सीएम सर और सीएम मैडम का उल्लेख किया गया है उसके यहां जांच के लिए कब जाएंगे। आपके बयान के बाद तो उन्होंने कहा है कि जितना भी रिकवरी 9 सालों में ईडी और आईटी ने की है वो पिछले जितने भी साल यूपीए की सरकार रही थी वो उसकी तुलना की जाए तो बहुत कम है। उन्होंने रुपयों का, सोने का, इन तमाम चीजों के आंकड़े पेश। मैं तो सवाल छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा हूँ कि 50 छापे डाल दिए एक महीने में, क्या क्या पाया वो तो बताएं। और ईडी है लगभग एक साल से जांच कर रही है ना, और अरुण साहू ने ये भी पूछा है, हमारे दो अधिकारी हैं उसके बारे में भी सवाल पूछा है, और ईडी पूरी जांच कर ली, मतलब देश का सबसे कड़ा कानून है उसके तहत जांच किए, क्या पाया। और जब वो कुछ नहीं पाए तब राज्य सरकार को दे दिए, आप जांच करो, क्यों देंगे, कुछ मिला होता तो देने का सवाल नहीं उठता, दे दिए, हमने जांच का आदेश भी किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जो ईडी डायरेक्टर ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा है उसके आधार पर हमने जांच तो जांच की शुरुआत कर दी, लेकिन हमने जो चिट्ठी लिखा है चिटफंड घोटाले का, हमने कहा है नान घोटाले का, नान में तो रजिस्टर्ड है ईडी में, वो सीएम सर और सीएम मैडम कब बताएंगे, उसके यहाँ जांच में कब जाएंगे। और ये चिटफंड घोटाले में जो लोग शामिल थे और जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके रोजगार मेला आयोजित करके जिनको प्रमाण पत्र बांटे उसके यहाँ जांच करने कब जाएंगे, ठीक है।